नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना बेशक मैदानी घाटों की तर्ज पर उत्तराखंड में बड़ी तेजी से बनाई गई हो, मगर पहाड़ों में इस योजना को स्थलीय और भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया, जिसका परिणाम हर साल बरसातों में करोड़ों रुपया पानी में डूब रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जिला रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा नदी के दोनों तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, मगर मानकों को ताक पर रखकर केंद्र सरकार के द्वारा सीधे इस योजना से बनाए गए घाटों को स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों न ही धार्मिक संस्थाओं की राय के लिए बिना बना दिया, जिसका खामियाजा हर साल बाढ़ व नदी के बड़े जलस्तर में आए रेत कूड़े से क्षति होने से भुगतना पड़ता है और फिर बरसात के बाद लाखों रुपया इन घाटों की सफाई में लगाया जा रहा है। जैसे ही सफाई कर दी जाती है तब तक फिर बरसात आते ही करोड़ों जल में डूब जाते हैं। सवाल हर बार यहां खड़ा होता है कि ऐसी योजनाओं का क्या फायदा, जिस पर अरबों रुपया लगा दिया मगर जनता के काम कुछ भी नहीं आया, यानी करोड़ों रुपया प्रचार प्रसार से लेकर बिना मानक की योजना धरातल पर केवल इसलिए लगाए गए कि इस नदी में डूबो कर देखते रहे। साथ ही घाटों के किनारे लाखों रुपए के सोलर स्ट्रीट लाइट भी पानी में डूब कर खराब हो रही है। आखिर यह करोड़ रुपया जनता के टैक्स का ही दुरुपयोग किया गया है, यह गंभीर सवाल जनता के सामने खड़ा है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। ये हमारा मानना भी यही है, क्योंकि जब ये निर्माण चल ही रहा था नमामि गंगे का, इन घाटों का, तो उस समय भी हमारे द्वारा कहा गया था, हम सब ने कहा भी था इनको, कॉन्ट्रैक्टर को, कि आप नदी के अंदर घाटों का निर्माण न करें, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पे नदी का जल स्तर बरसात में बहुत ऊपर आ जाता है। तो उस जल स्तर को न देखते हुए उन्होंने घोर लापरवाही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा की गई है, और जितनी भी निर्माणदायी एजेंसियां रुद्रप्रयाग के भीतर नमामि गंगे के घाट बना रही थी, उन्होंने निश्चित तौर पर बहुत ही लापरवाहियां उनके द्वारा की गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से नदी का जो जल स्तर है उसने सारे घाटों को जलमय बना दिया है, और इसके ऊपर कई टन रेत और कई लकड़ियां इसके ऊपर फंस जाती हैं, और इसको इस पे मुझे लगता है करोड़ों का रुपया इस पे इन्वेस्टमेंट सरकार द्वारा किया गया है। और इसके एवज में आप देख सकते हैं आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, अगर इनके द्वारा नमामि गंगे के घाट के बजाय अगर बड़े बड़े अस्पताल बनाए होते, अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए होते, तो निश्चित तौर पर यहाँ की क्षेत्रीय जनता इनका धन्यवाद अदा करती, ना कि आज इन घाटों को देखने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके का जो माहौल इन लोगों ने बीच में बनाया है, ये नमामि गंगे के घाट बना करके, और निश्चित तौर पर ये जनता के साथ कुठारा घात है। और पूर्व जिलाधिकारी महोदय के प्रयासों से ये संगम के बगल पे लाइटों की व्यवस्था की गई थी विद्युत विभाग के द्वारा, 19 लाख के समथिंग उसमें खर्चा आया था, और आप देख सकते हैं सारे पोलों तक, खंभों तक भी नदी का जल स्तर पहुंच चुका है, और काफ़ी डैमेज उन्होंने उन खंभों को भी कर दिया है, और उन खंभों को भविष्य में बहने का खतरा बना रहेगा। और ये कि भी घोर लापरवाही विद्युत विभाग की है, जबकि विद्युत विभाग को पता था कि यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ क्या हैं, उन्होंने फिर भी घोर लापरवाही की है। इसके लिए जिला प्रशासन और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। कि देखिए, ये बहुत बड़ा ये जीता जागता नमूना है कि जो हम लोग कहते थे कि दिल्ली में बैठकर पहाड़ के विकास को तय करने की जो बात की जाती थी, तो उसका जीता जागता नमूना है कि कैसे करके नमामि गंगे के नाम पे करोड़ों जो है हर साल जो है नदी में डुबाए जा रहे हैं, करोड़ों के रुपये की लागत से जो है ये घाट निर्मित हुए हैं, लेकिन किसी मानक किसी स्टैंडर्ड के तहत नहीं किए गए हैं, जिसका नमूना है कि हर साल बरसात आती है, नदी कई घाटों को बहा के ले जाती है, स्ट्रीट लाइटें लगा रखी है नदी के किनारों पे, लेकिन उनका औचित्य समझ से परे है। आजकल वो स्ट्रीट लाइटें भी जो है जलमग्न हो रखी हैं, तो मुझे लग रहा है सरकारी धन का दुरुपयोग इससे का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता।